अगर मुझे तुम लोगों की जिंदगी को तबाह करना था ना, तो मैं एक पल नहीं सेकंड में खलास कर दिया होता। लेकिन उस दिन जब मैंने उसे दत्ता को अपने अपने ही बेटे को गले लगाया, तो सच्चाई होंठों तक आके वापस चली गई, क्योंकि कल की गलतियों का बोझ मेरे सीने में अब तक उन्हें लेकर मैं जी रहा हूं। मैंने जो भी जुल्म उसके साथ में की है, क्या वो मुझे माफ कर पाएगा? इसी चीज का डर मुझे खाया जा रहा था, और इसीलिए मैं उसे यह नहीं कह पाया कि मैं ही उसका जन्मदाता हूं, और इसलिए मुझे वहां से चुपचाप चला जाना पड़ा। दत्ता को जानवर से इंसान किसने बनाया वो जानता हूं, तू नहीं बनाया। वो तू क्या समझती है मैं अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता हूं? सब जानता हूं, मैं जानता हूं क्या क्या करता रहा है वो। अब उसे मेरे सच को स्वीकार करने के लिए तू ही तैयार कर सकती है। मैं क्यों करेगी? मैं सांप के दिल को जख्म नहीं देगी। तू क्या समझती है मैं उसकी आंखों में आंसू देखना चाहता हूं? अरे बाप हूं मैं उसका, बाप। देख नकु, बहुत जल्द दिवाली आने वाली है और तू घर में दिया जलाएगी। जलाएगी ना? क्यों? वो इसलिए कि दिए की रोशनी जो है वो अपने घर के अंधेरे को मिटा देगी। वैसे ही मन के अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है, सच्चाई की रोशनी। और मैं नहीं चाहता मेरा बेटा अपने बाप से जिंदगी भर नफरत करता रहे। जब तक वो जख्म लेके घूमेगा तब तक नफरत पालता रहेगा। बेटा, ये नफरत जो है ये तेजाब की तरह होती है। नफरत करने वालों को ना ही मिटा देती है बल्कि उनके हर रिश्तों को भी जलाकर राख कर देती है। तुम दोनों के रिश्ते को बेटी आशीर्वाद के फूल चाहिए, नफरत का तेजाब नहीं। अगर मेरा बेटा मुझे सजा देना चाहता है ना, तो मैं स्वीकार कर लूंगा। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास बेटा, इसलिए जो मैं बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुनो। दत्ता के लिए मैंने एक सुराग छोड़ा है, लेकिन इससे पहले कि उसे वो सुराग मिल जाए, मैं चाहता हूं कि तुम उसे सब कुछ बता दो। जो सच्चाई है उसके सामने रख दो, क्योंकि मुझे उसे मिलना जरूर है। कुछ भी हो जाए, किसी हाल में मैं उसे मिलूंगा जरूर। इसलिए बेटा अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथों में। मैं घर छोड़ा हूं। सबको पूजा के लिए बुला ला। जाओ सर।
आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। वो साहब के बाबा आए थे, भाई साहब आप चलिए मेरे साथ, चलिए। इससे पहले साहब को कोई सुराग मिले, उनके बाबा अपने तरीके से उनको सच बताएं। आप सब सच बता दीजिए साहब। साहब कहाँ है? पूजा के लिए उन्होंने ही बुलाया था ना भाऊ। आई साहब ऊपर है। आप फिक्र मत करो भाऊ, बस आज दोपहर तक उस आदमी के बारे में पता चल जाएगा। जब तू उसे पकड़ के लाएगा ना तब कहना चिंता नहीं करने को। इंतजार करने की आदत नहीं है बाजी, वो भी ऐसे मामले में। मुझे मेरी फिक्र या तेरी फिक्र नहीं है, परिवार की फिक्र है। वो फिक्र तो मेरे को भी होती है ना, क्योंकि भाई ये घर जितना ही आपका है उतना ही मेरा भी है। ऐसा मेरी भी तो माँ है ना भाऊ। बस भाऊ कुछ थोड़ा वक्त और भाऊ। मैं जितना इंतजार कर सकता था कर लिया, जितना वक्त दे सकता था दे दिया बाजी। मैं अपने दुश्मन के गले में फांसी का फंदा देखना चाहता हूँ, लेकिन देख नहीं सकता। पता है क्यों? पता है ना क्यों? जो बनता है करो तुमसे। भाव भाई, ये लॉकेट में कुछ कागज सा। तेरा बाप हूं मैं। जल्दी फिर मिलेंगे। मैं तेरा बाप हूं। सुना तुम लोगों ने, मेरा बाप आपसे मिलने आ रहा है, वो भी चुनौती देकर मुझे। जरूरत देखो इस आदमी की। ए बाजी,
पहले कि यह आदमी मुझ तक पहुंचे, मैं उस आदमी तक पहुंचना चाहता हूं। चुनौती दी है उसने हमें, क्या करते हैं हम ऐसी चुनौती का? स्वीकार करते हैं भाव, अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। आप जो भी करें सोच समझ के कीजिएगा। तो क्या सोचूं मैं? तुम बताओ क्या सोचूं मैं? क्या सोचूं मैं? एक आदमी मेरे घर के अंदर घुसकर मुझे धमका गया, और अब वो समझता है कि वो मेरा पाप है, और मैं सोचता बैठूं मेरे इलाके में आकर वो अपने आप को मुझसे बड़ा समझने लगा है। अब उसे पता लगेगा कि दत्ता श्रीराम पॉटर आखिर है क्या। भाव, आपके दुश्मन का पता चल गया। भाव, ये काम इतना मुश्किल नहीं था। सीसीटीवी की फुटेज तो थी हमारे पास, बस उसमें से उस आदमी का और उसकी गाड़ी का एक फोटो निकाली और थोड़ी पूछताछ की, बस भाव हमने पता लगा लिया कि वो चूहा कौन से बिल में जाके छुप गया। आगे बोल। साकरवाड़ी की पुरानी हवेली भेली 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 से अपना अड्डा बना लिया उसने, और वो कॉरपोरेटर उसका साथ दे रहा है। हाँ, एक इशारा करूंगा, इधर ही उसका हिसाब कर देगा। मैं साला उठा के घसीट के आपके पैर में डाल देगा मैं। फिर चैन से बदला लेना भाव। बल्कि मैं तो कहता है भाव, उसके रग रग में से एक एक बूंद खींच के निकाल देना भाव। कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको।